तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो जैसा आपने पिछली वीडियो में अपना इतना सारा प्यार दिया कि 203 के क्वेश्चन पेपर में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले, काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आए, कमेंट्स भी आए। तो आपकी तरफ से जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि नेक्स्ट पेपर्स की भी वीडियोज़ बनाएं। तो दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं, अभी आई थिंक 1 तारीख को हमारा 204 का एग्ज़ाम है, दैट इज़ टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो जब मैंने इसका सिलेबस देखा, तो आपने भी देखा होगा सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है। सब टॉपिक्स की बात करें वो तो बहुत ही ज़्यादा सब टॉपिक्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करेंगे आज के वीडियो को। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। तो लास्ट टाइम जिसने 203 के क्वेश्चन पेपर की फुल वीडियो देखी थी उसको काफ़ी हेल्प मिली थी। तो 204 की फुल वीडियो देखो, आप क्या करते हो वीडियो को स्किप करके छोड़ देते हो, तो आपको पूरा नहीं पता चलता कि उसमें क्या डिस्कस किया है। तो वीडियो पूरी देखने से आपको ये बेनिफिट होगा कि जो जो हमने डिस्कस किया होगा आपको सब कुछ मिलेगा। आप क्या करते हो स्किप करते हो, स्किप मत करिए, इससे बेहतर है कि आप वीडियो ही ना देखें। मेरी तरफ से वीडियो देखनी है तो पूरी देखिए। तो फर्स्ट यूनिट जो 204 का फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं या आप क्वेश्चंस कह सकते हैं, तो वो हैं जैसे सबसे पहले हम लेंगे व्हाट आर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसी के साथ जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश को भी आपने रीड आउट करके जाना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हम लेंगे इंग्लिश कैन बी टॉट विद द हेल्प ऑफ मदर टंग, कैसे मदर टंग की हेल्प से हम इंग्लिश बच्चों को सिखा सकते हैं, ये भी एक टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। आप मटेरियल चाहे नेट से ले सकते हैं या बुक से देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया एंड J&K, दोनों को आप करके जाएंगे तो इसमें से बनेगा ये। तो इंडिया और J&K में इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है सेकेंड लैंग्वेज, ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हम लेंगे थर्ड वन में व्हाट इज़ द 3 लैंग्वेज फार्मूला, इसका बैकग्राउंड क्या है और हम कैसे इंडियन स्टेट्स में 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में से इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं दैट इज़ एनफ फॉर योर फर्स्ट यूनिट। तो इसमें से लॉन्ग शॉर्ट आंसर कुछ भी आ सकता है, बट ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए एज अ लॉन्ग आंसर पॉइंट ऑफ व्यू के बताए हैं मैंने। अब यूनिट सेकंड की तरफ चलते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज यूनिट का नाम है। इसमें सबसे पहले आपने करना है व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी, उसका प्रोसेस क्या है, टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इतना करेंगे एक टॉपिक आपका यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट हमने जो लिया दैट इज़ व्हाट इज़ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है इंग्लिश में, वो आपको करके जाना है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ स्पीच, दोस्तों जब हम डीपली एनालाइज करते हैं पिछले क्वेश्चन पेपर्स को तो मैकेनिज्म ऑफ स्पीच काफ़ी बार रिपीट हुआ है, 12 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है मैक्सिमम, तो आपको ये पढ़ के जाना है। एटलीस्ट 3-4 पेजेस तो आपको आंसर लिखना ही लिखना है इसमें। नेक्स्ट हमने लिया है व्हाट आर द फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये 4 टॉपिक्स हमने उठाए हैं यूनिट सेकंड से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस यूनिट में से। अगर हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं, अभी थर्ड यूनिट दैट इज़ डिवाइजिंग द लेसन प्लान एंड अप्रोचेस, इसमें कैसे लेसन प्लान को आप डिवाइज कर सकते हैं और कौन कौन सी अप्रोचेस को यूज़ करके हम लेसन प्लान को डिवाइज कर सकते हैं, ये यूनिट में बताया गया। इसमें हमने सबसे पहले लिया है टेक्स्ट बुक क्या है, व्हाट इज़ टेक्स्ट बुक, इसका मीनिंग आपको याद करना है या आप पढ़ के जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है टेक्स्ट बुक के, और एक अच्छी टेक्स्ट बुक इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की गुड क्वालिटीज़ क्या हैं, ये एक टॉपिक आपका यहाँ से बन रहा है। उसके बाद हमने लिया जो करिकुलम के बारे में, क्योंकि लेसन प्लान करने के लिए करिकुलम बहुत ज़रूरी होता है, तो आप पढ़ के जाएंगे करिकुलम क्या है और टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज में करिकुलम की क्या इंपॉर्टेंस है, ये लिया हमने। नेक्स्ट इसके बाद हमने लिया हुआ है स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर हम स्कूल्स में इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो कंस्ट्रक्टिविज्म के क्या बेनिफिट्स हैं, आपको ये पढ़ के जाना है। एंड नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो लिया हमने यूनिट थर्ड से दैट इज़ लेसन प्लानिंग,
एंड हाउ टू डेवलप अ लेसन प्लान विद हर्बेशियन अप्रोच, जिसे हर्बेशियन अप्रोच भी कहा जाता है। इस अप्रोच के यूज़ करके आप कैसे एक लेसन प्लान को डिवाइस कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये NF है यूनिट 3rd से। दोस्तों अगर हम सिलेबस को देखेंगे तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है, उसमें बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि करके जाएँ तो क्या करके जाएँ। तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये जो डाउट जो आते हैं, इन सबको क्लियर करने के लिए हमने इन टॉपिक्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिर्फ लिया हुआ है हमने, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अब यूनिट 4 की बात करें, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। जैसा हमें यूनिट खुद नाम बता रहा है, लैंग्वेज स्किल्स, तो ये यूनिट पूरा बेस है स्किल्स के ऊपर। सबसे पहले तो हमने पढ़ के जाना है व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ स्किल्स, जिसमें आपकी लिसनिंग स्किल आती है, स्पीकिंग स्किल आती है, फिर रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल है, चारों टाइप की स्किल्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके बैरियर्स क्या हैं, ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है इस यूनिट में से। नेक्स्ट हम देखें तो लिसनिंग स्किल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लिसनिंग स्किल को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं और लिसनिंग में आपको कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं, ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है। इसके बाद रीडिंग स्किल क्या है, रीडिंग स्किल देखो, रीडिंग स्किल में आपको रीडिंग्स की टाइप्स का पता होना चाहिए, जिसमें हमारे पास लाउड एंड साइलेंट रीडिंग आती है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग आती है, ये आपको पढ़ के जाना है। रीडिंग स्किल के बैरियर्स क्या हैं और रीडिंग का मैकेनिज्म क्या, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, ये भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हमने लास्ट जो उसमें से टॉपिक लिया यूनिफॉर्म में से, वो है स्पीकिंग स्किल, उसके इम्पॉर्टेंस और इसके बैरियर्स क्या हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के लिए, मच एनफ है, ये काफ़ी है इतना इन चार यूनिट्स का। आप एक बार फिर से वीडियो को देख करके आप टॉपिक्स को नोट डाउन कर सकते हो। अब दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों के लिए, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उसको मिक्सअप करके आपको बताया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश फॉर सिंटेक्स एंड फॉर स्पेलिंग, ये दोनों आपको पढ़ के जाना है। शॉर्ट आंसर टाइप में पढ़ के जाएंगे तो काफ़ी होगा ये। स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये हमने यूनिट 3rd के लॉन्ग आंसर में भी लिया है, लेकिन इसको शॉर्ट आंसर के रूप में भी हम पढ़ के जा सकते हैं। लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है और NCF डेट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद जो हमने लिया है शॉर्ट आंसर्स में, एक्टिविटीज़ टू डेवलप लिसनिंग स्किल एंड स्पीच हैबिट, स्पीच हैबिट और लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, वो आपको पढ़ के जाना है, इसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज़ द नीड ऑफ करेक्ट प्रोनंसिएशन एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन रिसीव्ड प्रोनंसिएशन, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको हैंडराइटिंग के बारे में पता होना चाहिए, हैंडराइटिंग क्या होती है और व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट एंड लास्ट हम कहेंगे आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि यूनिट प्लान्स क्या होते हैं और एनुअल प्लान्स क्या होते हैं। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स थे जो हमने सेलेक्ट किए, हम जानते हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स सेलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन अगर आप सिलेबस देखेंगे ना, उसके सब टॉपिक्स के हिसाब से हमने बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स को चूज किया है। आपके कहने पर हमने 204 का क्वेश्चन पेपर ये बनाया है। आपको कैसा लगा हमारी वीडियो में ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। काफ़ी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे तो हमने सोचा चलो 204 का भी एक क्वेश्चन पेपर डिवाइस करके आपको सेंड कर दें यूट्यूब के थ्रू से। तो कैसा लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी, नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।